हल्द्वानी में इस बार गणेश महोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें गणेश महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने बताया कि इस बार 7 सितंबर से गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें मूर्ति स्थापना के साथ ही गणेश महोत्सव की भव्य शुरुआत होगी। इसके अलावा 8 सितंबर को रक्तदान शिविर तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और हमारी जो संस्था है, जिसमें मैं संरक्षक हूँ, विगत 17 वर्षों से ये लगातार यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन गणेश महोत्सव के दौरान होते हैं। और ये केवल धार्मिक एक कार्यक्रम न होकर के सामाजिक सरोकारों से भी हम इसमें लोगों को जोड़ते हैं। इस निमित्त इसमें जो समाज के लिए बहुत प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि अभी रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें कि लगभग 122 पिछली बार था, और इस वर्ष इसका जो लक्ष्य रखा है वो लगभग 150 के आसपास रखा है। ऐसे ही जो है, जो हम अपने यहाँ जो इस शहर में अच्छे लोग हैं उनको सम्मानित करने का कार्य भी और हल्द्वानी रत्न देने का कार्य भी इस समारोह के दौरान हम करते हैं। इसलिए गणेश महोत्सव का जो धार्मिक महत्व है, इसके साथ साथ ही इसको हम सामाजिक महत्व से जोड़ते हुए भी देखते हैं। और ऐसे कार्यक्रम के दौरान, ताकि एक सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत भी हमारी बचे और हमारी आगामी पीढ़ी जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन्हें आगे बढ़ाए, इस दिशा की ओर को भी हमारा संगठन लगातार प्रयास करता रहा है। और निश्चित तौर पर एक सुंदर आयोजन हमारे संगठन द्वारा किया जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन जो कि सभी जगह पूरे देश में मनाया जाता है, हल्द्वानी में भी ये हमारे प्राचीन शिव मंदिर कमेटी के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जो इस बार गणेश चतुर्थी है 7 तारीख को है, 7 सितंबर से, जिसमें पहले दिन मूर्ति स्थापना होगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पर रहेंगे। और इसी कार्य को, धार्मिक कार्य को सामाजिक कार्य से जोड़ते हुए प्राचीन शिव मंदिर समिति ने 3 वर्ष पूर्व जब कोरोना काल आया था उसमें रक्तदान का शिविर का आयोजन करा था। उसमें लगातार 4थी बार वो बृहद और विशाल रक्तदान शिविर इस बार कृष्णा मैरिज गार्डन में 8 तारीख को 10 बजे से आरंभ होगा, जिसमें प्राचीन शिव मंदिर समिति लगभग 150 रक्त डोनेटों को वहां पर व्यवस्था करेगी। और आप सभी के सहयोग से उसमें सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और डांडिया उत्सव और बहुत ही सुंदर श्याम बाबा का दरबार जो 12 तारीख को शाम 7 बजे से, जिससे पहले एक बहुत बड़ी निशान यात्रा धर्मपुरा मंदिर बरेली रोड से कृष्णा मैरिज गार्डन तक 4:30 बजे चलेगी, जो 6 बजे करीब वहां पर पहुंचेगी।